इन PS की पावर और 95 फाइव का टॉक प्रोवाइड करती है वहीं बात करूं इसके डायमेंशन की तो इस कार में आपको 3815 एट mm मिलीमीटर की लेंथ मिलती है वहीं पे आपको 1680 की विथ इस कार में ऑफर की जाती है एंड अगर बात करूं इस कार में हाइट की तो 1520 फाइव mm टू की इसमें आपको हाइट मिलती है एक अच्छा व्हील बेस भी इस कार में ऑफर किया जाता है 2450 फोर mm फाइव का बात की जाए कार के फ्रंट लुक की तो फ्रंट फेशिया कार का, का काफी अच्छा है काफी स्टाइलिश गुड लुकिंग कार है ये और डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो इस कार में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है टॉप मॉडल है आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यही की जा गई है साथ ही नीचे आपको डीआरएल की प्लेसमेंट देखने को

बात करूँ कार में मिलने वाले टायर्स की तो इसमें आपको 14 इंच के टायर ऑफर किए जाते हैं एंड इसके प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 165 सिक्सटी फाइव बाई सेवेंटी आर एंड इसके साथ अलॉय का डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है बहुत ही गुड लुकिंग कार है यार ये और का अलॉय भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है इसके ओवर वी भी बहुत ही स्लीक से दिख रहे हैं इंडिकेटर आपको ये ओ वर वी में ही प्लेसमेंट की गई है इसकी एट कलर ऑप्शन के साथ ये कार आती है एंड ये जो आप रेड कलर देख रहे हो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कार में और इसके अलावा क्रोम में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे एंड रूफ रेल्स भी आपको इस वेरियंट में मिल जाएगी तो रूफ रेल भी कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा डिज़ाइन इन्हांस करती है कार का एंड ये जो इसका फे वर्जन है यार अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उसके ओल्ड वर्जन के साथ तो डायमेंशन वाइज ये कार पहले से ज़्यादा बड़ी है एंड अगर बात करूँ इस कार में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस की तो वन मिलीमीटर mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलेगा जो कि डिसेंट है आ, आ, इस सेगमेंट के हिसाब से एंड बात करें इस कार के रेयर प्रोफाइल की तो रेयर प्रोफाइल अब और अपग्रेड किया गया है रेयर प्रोफाइल में अब आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प देखने को मिलती है जो कि हॉन्डाई की बहुत कारों में आपको देखने को मिलेगी एंड मुझे पर्सनली ये टेल लैम्प का डिज़ाइन पसंद आता है अगर बात करूँ इस कार में आपको दो सेंसर देखने को मिलेंगे पीछे एंड यहां पे कैमरे की प्लेसमेंट की गई है उसके अलावा हॉन्डाई की बैजिंग नियोस की बैजिंग एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके वेरिएंट की बैचिंग एस्टा वेरिएंट इस ये आपका है टॉप वेरिएंट है इसका इसके अलावा रियर वाइपर डिफॉगर हाई बाउंटे स्टॉप लैम्प एंड पिन एंटीना आपको इस कार में देखने को मिलेगा ओवरऑल रियर प्रोफाइल से कार का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखने को लगता है बात करूं कार में मिलने वाले बूट स्पेस की तो बूट एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहां पे मिल जाएगा एंड इस कार में आपको 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जो कि डीेंट है इसके अलावा आपको एक बूट लैम दिया गया है यहाँ पे एक हुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एंड बात करते हैं स्पेयर टायर की तो आपको इसमें सेम 14 इंच का ही स्पेयर टायर देखने को मिलेगा विद सेम प्रोफाइल स्टील रिम के साथ आएगा इसमें आपको अलॉय नहीं मिलेगा इसमें अच्छी बात है कि सेम साइज़ का ही टायर इन्होंने प्रोवाइड किया है एज अ स्पेयर कोई साइज़ छोटा बड़ा नहीं किया अदरवाइज़ 260 लीटर का बूट स्पेस ठीक ठाक है एंड कॉम्पटिशन कार्स में भी आपको लगभग इसी के आसपास का बूट स्पेस देखने को मिलता है हर कार में तो गाइज ये तो रहा इसका बैक प्रोफाइल रेयर प्रोफाइल अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की एंड चलते हैं देखते हैं इसका इंटीरियर किस तरह का है तो यार जैसे आप देख रहे हो इस कार में आपको ड्यूल शेड में इंटीरियर देखने को मिलता है बेज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है इसके इंटीरियर में एंड ये सारा हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा ओवर में कंट्रोल्स में यही है ऑटो फोल्डेबल ऑटो तो एडजस्टेबल दोनों ही आपको इसमें मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट की गई है एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके से इसका लुक दिखता है बाहर से इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे इसके अलावा अब चलते हैं कार के अंदर एंड अंदर जाके देखते हैं कि कार का इंटीरियर अंदर से कैसा है तो गाइस कुछ ऐसा सा है इस न्यू आई टेन न्योस टू फेसलिफ्ट गाड़ी का इंटीरियर ड्यूल टोन में आपको इस कार का इंटीरियर देखने को मिलता है वाइट एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है कार में बात करूं स्टेयरिंग की तो आपको राउंड शेप में स्टेयरिंग देखने को मिलती है कार में यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे इसके क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके अलावा इसमें आपको टिल्ट स्टेयरिंग uh, मिलती है टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग uh, का ऑप्शन इस कार में आपको नहीं मिलता इसके अलावा बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो आपको एनालॉग में ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेंगे स्पीडोमीटर ऑडोमीटर एंड सेंटर में एक एम दी गई है जिसमें आपको कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस कार में आपको एट इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा एंड uh, इसके अलावा नीचे ए सी की प्लेसमेंट इसके अलावा ऑटोमेटिक ए सी आपको इस वेरियंट में देखने को मिलता है एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको इस वेरियंट में मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका फाइव स्पीड गेयर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा एंड इस वेरियंट में आपको आ, अच्छी बात है टाइप सी और आ, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है प्लस आपको ट्वेल वॉट का सॉकेट भी दिया गया है इसके अलावा यहाँ पे आपको हैंड की प्लेसमेंट मिलती है एंड uh, uh, बात करूँ सीट्स की तो लेदराइट एंड uh, फैब्रिक दोनों ही इसमें यूज़ किए गए हैं इसकी सीट्स में uh, फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है प्लस लेदर भी यूज़ किया गया है सपोर्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है सीट्स में कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है सीट्स की एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें मिल जाता है साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड थाई सपोर्ट की बात करूँ तो डिसेंट थाईट सपोर्ट आपको इस कार में मिलता है तो ओवरऑल फ्रंट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार एंड मैनुअल डे नाइट आयर वी एम आपको इस में मिल जाएंगे इसके अलावा ड्राइवर साइड कोई वैनिटी नहीं दी गई है कार्ड ऑर्डर आपको मिल जाएगा को पैसेंजर साइज़ आपको एक बड़ी सी वैनिटी इन्होंने दे रखी है जो कि अच्छी चीज़ है इसके अलावा यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट की गई है एंड ओवरऑल कार का इंटीरियर कुछ इस तरीके से आता है एंड अब चलते हैं कार के रेयर प्रोफाइल में एंड देखते हैं कि रेयर सीट कितनी कम्फर्टेबल है इस कार की तो यार ये है इसकी रेयर प्रोफाइल रेयर में भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके विंडोज़ के कंट्रोल सो अब कार के अंदर चलते हैं देखते हैं, हैं रेयर सीट कंफर्ट कितना है अभी फ्रंट सीट पूरी पीछे है एंड आप देख सकते हो रूम कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे साइज सपोर्ट अच्छा है कार में डिसेंट साइज सपोर्ट आपको मिलेगा इस कार में इसके अलावा स्पेस वाइज देखोगे तो दो एडल्ट एक बच्चा इस कार में बैठ सकता है इजीली एंड ही अपना इसी सेगमेंट की कारों से अपने रेयर एस इवेंट देने लग जाता है तो इसमें भी आपको रेयर एस इवेंट मिल जाता है प्लस एक सॉकेट भी मिल जाएगा चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे एंड इसके अलावा एक रीडिंग लैम्प आपको इन्होंने सेंटर में दे रखा है बट इस कार में आपको कहीं पे भी आर्म रेस्ट देखने को नहीं मिलेगा ना फ्रंट में ना रेयर में आर्म रेस्ट की कमी थोड़ी फील हो रही है मुझे इस कार में आम रेस्ट मिसिंग है यहाँ से आमरेस्ट आम होता तो शायद थोड़ा और कंफर्ट बढ़ जाता कार में वैसे रेयर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है इस कार की तो ओवरऑल कम्फर्ट वाइज अगर तो रेयर सीट्स में भी काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिलता है आपको इसकी कार में अब चलते हैं कार के बाहर और आगे की बातें हम आपसे बाहर आके करता हूँ सो ओके गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ ये पर्टिकुलर कलर आपको कैसा लग रहा है एंड अगर इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट पर्सन और शोरूम की डिटेल्स दे दूंगा आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं और इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं तो अगर इस वीडियो में इतना ही अगर आपके चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू और चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लें बाय